हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मैथ्स बाय गौरव के इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक्स देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी मैथ्स के रिगार्डिंग। आज हम लोग एक रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगोगे तो आपका पूरा पेपर ही निकल जाएगा जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि इतना बड़ा एलसीएम लेना, इतना बड़ा सॉल्व करना बहुत ही टाइम लगता है। तो इसको करना क्या है, इसके पैटर्न को समझो। देखो आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, हर नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है, तो इसको तरीके से समझते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता है 1/2 + 1/4, तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, क्या आता है 3/4। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन ले दिया जाए 1/2 + 1/4 + 1/8, अगेन आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा, 7/8 आएगा। तो ट्रिक क्या मिली हमें, ट्रिक ये मिली कि जो लास्ट वाला नंबर है वो लिख लो और ऊपर इससे एक कम लिख दो। समझे मेरी बात, जो लास्ट नंबर है डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा और उससे एक नंबर कम हम लोग यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेंगे। तो आप मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।